हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू राइट चैनल। मैं हूं द इंडियन नोमैड और मैं हूं एक इंटरनेशनल ट्रैवलर। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश विड्रॉयल या फॉरेक्स कार्ड कौन सा यूज करने से आपको सबसे प्रॉफिट होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। बात करते हैं कैश की। ये कैश जो है ना, कैश आप तीन टाइप से ले सकते हैं। पहला है बैंक से, सेकेंड है किसी भी ट्रेवल एजेंट से और थर्ड है ऑनलाइन से। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग $1,000 निकालते हैं कहीं से और एक $1 का प्राइस है 70 rupees। तो ये एग्जाम्पल लेके हम लोग अभी बात करेंगे सारे। तो मैंने जो कहा बैंक्स में, बैंक्स आप किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं जिसका फॉरेक्स डीलिंग से। तो उन लोग से अगर आप लेते हो तो उन लोग से सबसे मतलब बैड रेट्स मिलेंगे उन लोग से, क्योंकि नॉर्मली बैंक्स जो है आपका जो गूगल रेट्स दिखाते हैं अराउंड 2 से 3 रुपया उन लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं पर डॉलर। तो अगर आप $1,000 निकालते हो बैंक से तो आपको डायरेक्ट 70,000 rupees तो उसका USD का वैल्यू ही हो गया। और इसके बाद उसके ऊपर आप अगर 2-3 रुपया पर डॉलर प्रीमियम लेते हैं बैंक से तो आपको अगेन मतलब अराउंड 2,000 मिनिमम एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे और उसके ऊपर से आपको GST लेंगे। GST 2,000 रुपये में 18% मतलब 360 रुपये। तो ये तीन चार्जेस मिला के आपको टोटल पड़ता है 72,360, यानी कि पर डॉलर 72 रुपीज़ 36 पैसा। तो आप अगर आप बैंक से निकालते हो तो मिनिमम आपको पड़ेंगे पर डॉलर 72.36 रुपीज़, अगर नॉर्मल USD का प्राइस तो 7 रुपीज़ पर डॉलर। तो एक्स्ट्रा आप 2 रुपीज़ 36 पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं बैंक को। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स ट्रैवल एजेंट्स। ट्रैवल एजेंट्स लाइक देखिए लोकल ट्रैवल एजेंट्स भी बहुत है या ऑनलाइन जो थॉमस कुक है या कॉक्स एंड किंग्स तो पहले था, अभी पता नहीं है कि नहीं, और दूसरा आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स मिल जाएंगे। तो उन लोग कितना लेते हैं, उन लोग भी ऑलमोस्ट सेम लेते हैं, थोड़ा बहुत कम ले सकते हैं। वो आप चेक कर लीजिए, अगर बैंक से जैसा ही लिया तो आपको फिर से मतलब 72.36 जैसा पर डॉलर आपको चार्जेस लग जाएंगे। और थर्ड जो है फ्रेंड्स वो है बैंक ऑनलाइन। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन 2-3 वेबसाइट है, ऑनलाइन अभी बहुत नया ये है और अभी तक मैंने जो यूज़ किया वो बुक माई फॉरेक्स, www.bookmyforex, यहाँ से बेस्ट रेट्स देती है। क्योंकि अब ये बुक माई फॉरेक्स साइट जो है वो मतलब जो लोकल बहुत सारे फॉरेक्स एजेंट्स हैं उन लोग का सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और आपको बेस्ट रेट्स अपना साइट पे दिखाते हैं। तो आप बुक माई फॉरेक्स में जाके ऑनलाइन आप ऑर्डर दे सकते हो और आपको वो कैश उसी दिन में, वर्किंग डे में या नेक्स्ट डे अगर आप देर से ऑर्डर देते हो मिल जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ बेस्ट वेज। तो बुक माई फॉरेक्स कितना लेते हैं, तो जो भी आपने देखा हो बुक माई फॉरेक्स अराउंड मतलब बहुत मिनिमम चार्जेस लेते हैं, लाइक 50 पैसा से लेके 1 रुपये पर डॉलर एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गूगल शोन इमेज मतलब रेट्स। तो आपको वैसे बहुत सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि अगर $1 का 70 rupees हुआ और आप $1,000 निकालते हो तब आप 70,000 rupees जो कॉस्ट प्राइस हो गया और उसके ऊपर आपको अगर 50 पैसे वो लोग कमीशन लेते हैं या 1 रुपये लेते हैं तो अराउंड 500 से 1,000 rupees कमीशन लेंगे और उसके ऊपर GST। तो सारे मिला के मैं देखा हूँ कि बुक माई फॉरेक्स से निकालने से आपको पर डॉलर अराउंड 70 rupees 60 पैसे जैसा लगेगा, विच इज फार बेटर देन बैंक्स। तो याद रखिए अगर आप कैश निकालते हो तब आप बैंक से मत लीजिए या ट्रेवल एजेंट से मत लीजिए, आप ऑनलाइन लीजिए, ऑनलाइन बुक माई फॉरेक्स से लीजिए, वो कैश आपको बेस्ट रेट्स देंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आ गया ATM विड्रॉल एट द फॉरेन लोकेशन। देखिए ATM विड्रॉल का भी चार्जेस बहुत लगते हैं अगर आप फॉरेन वहाँ पे लगा रहे हो। मैं नॉर्मली मेरा 3 बैंक में ATM कार्ड्स है, लाइक HDFC, ICICI और स्टेट बैंक। तो ये तीनों में यूज़ करके देखा हूँ कितना पैसा लेते हैं। तो नॉर्मली देखा हूँ कि तीनों ऑलमोस्ट सेम चार्जेस लगाते हैं, लाइक 3.5% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट लगते हैं। तो अगर आपको पर डॉलर, जैसे मैं कहा था पर डॉलर 70 रुपीज़ है और आप ATM से विड्रॉ करते हो बाहर में, तब आपको 3.5% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और कभी कभी जो फॉरेन बैंक है उन लोग भी चार्जेस लगाते हैं, लाइक थाईलैंड में जो था, थाईलैंड में आपको अराउंड 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ते थे, या मुझे दुबई में कुछ किसी से ATM में एक्स्ट्रा लगाया था, सिंगापुर में भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकते हैं तो आपका कॉस्ट और बढ़ जाएंगे। तो मैं कैलकुलेशन किया, अगर आप डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हो ATM से तो आपको ऑन एन एवरेज 73 से लेके 73.5 रुपीज़ पर डॉलर लग जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव वे। तो ATM विड्रॉल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसका भी चार्जेस बहुत लगेगा और ये पर ट्रांजेक्शन चार्जेस है, लाइक आपको 3.5% जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो लगाएंगे और उसके ऊपर इंडियन बैंक्स 118 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लगेंगे। तो जितना ट्रांजेक्शन करोगे उतना आपका जो चार्जेस है बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको इमरजेंसी करना है विड्रॉल फॉरेन ATM से तो आप डायरेक्टली एक बल्क अमाउंट पे जितना हो सके निकाल लीजिए टू सेव ऑन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ATM विड्रॉल इज नॉट रिकमेंडेड अनलेस एब्सोल्युटली इमरजेंसी।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट आ गया फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है और जो आपको बहुत ही सस्ते में आपको फॉरेन करेंसी आप यूज कर सकेंगे। देखिए फॉरेक्स कार्ड बहुत वैरायटी सी मिलती है, लेकिन आप जब फॉरेक्स कार्ड एक किसी मल्टी करेंसी लेते हो या आप सिंगल करेंसी भी ले सकते हो, आप देख लीजिए नॉर्मली जो फॉरेक्स कार्ड अच्छे है वो सबका आपको चार्ज स्वाइपिंग का चार्जेस नहीं लगते। तो आप अगर 1000 US डॉलर स्वाइप करते हो तब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब जो 2% चार्ज है 3.5% चार्ज है वो सब नहीं लेंगे, तो बहुत ही आपको सस्ते हो जाते हैं। तो अगर गूगल आपको 70 रुपीज़ पर डॉलर दिखाते हैं तो फॉरेक्स कार्ड भी ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ भी आपको पर डॉलर मिल जाएंगे। तो आपको जस्ट ऑनलाइन लोड करना है और ये आपको मिल जाएंगे। तो ये फॉरेक्स कार्ड जो है मैंने बुक माई फॉरेक्स से ही लिया था, तो बुक माई फॉरेक्स का जो फॉरेक्स कार्ड ये बहुत ही अच्छा है और आपको लोडिंग चार्जेस अनलोडिंग चार्जेस और कुछ भी ये सब सारे चार्जेस कुछ भी नहीं थे, सारे चार्जेस नील थे, इसलिए मेरा बहुत मतलब पैसा बचा। आप इस जो बुक माई फॉरेक्स का जो ये मतलब फॉरेक्स कार्ड है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपको जस्ट 3-4 डॉक्यूमेंट्स देंगे और आपको घर तक आपको ये फॉरेक्स कार्ड मिल जाएंगे। बहुत ही आसान है, आपको कहीं भी बैंक में जाना नहीं है, कुछ भी हैसल्स नहीं है और आप इसको ऑनलाइन रिलोड कर पाएंगे। आप जितना मर्जी हो आप रिलोड कर लीजिए, आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे कंपेयर टू गूगल। तो इसलिए आप एक फॉरेक्स कार्ड ले लीजिए और आपको वहाँ पे बुक माई फॉरेक्स से खरीदने से आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस लोडिंग चार्जेस या अनलोडिंग चार्जेस मतलब जो आप पैसा अगर वहाँ पे बच जाते हैं तो कुछ भी नहीं लगते। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आप एक फॉरेक्स कार्ड ले लीजिए और फॉरेक्स कार्ड में आपको ऑलमोस्ट अगर 1000 US डॉलर्स आप स्वाइप करते हो या निकालते हो तो आपको कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे, तो आपको ऑन एन एवरेज 70 रुपीज़ पर डॉलर में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स चलिए अभी बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो आपको डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड आपको 2% से लेके 3.5% या 5% आपको लगाएंगे। मैं नॉर्मली क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास 3 है, लाइक ये जो आप देख रहे हैं मेरा ऊपर वाला HDFC रिगेले क्रेडिट कार्ड है और बीच वाला ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है और लास्ट वाला स्टेट बैंक का है। तो तीनों ही मेरा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, और मैं मैक्सिमम जो है सबसे ऊपर वाला जो है HDFC का रेगुलर क्रेडिट कार्ड वो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो HDFC का रेगुलर क्रेडिट कार्ड है मुझे ट्रांजेक्शन चार्जेस मतलब जो क्रॉस करेंसी कन्वर्जन चार्जेस है वो सिर्फ 2% लगाते हैं कम्पेयर टू द अदर्स जिसका मतलब थोड़ा ज़्यादा है, शायद 3.5 से 4% लगते हैं। तो ये HDFC का जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास ये है तब आप क्रेडिट कार्ड उसी को यूज़ कीजिए, आपको 2% ट्रांजेक्शन चार्जेस लगाएंगे। तो अगर आप HDFC रेगुलर क्रेडिट कार्ड से 1000 US डॉलर्स स्वाइप करते हो तो आपको कितना चार्जेस पड़ेंगे, तो आपको जो 70,000 कॉस्ट प्राइस वो तो लगेंगे, उसके ऊपर आपको 2% ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेंगे। वो 2% जो है वो है 1400 रुपीज़ और उसके ऊपर जो है आपका GST है 252 रुपीज़। तो ये सब कुल मिला के आपको जो आपको फाइनल रेट्स है वो हो गया आपका अराउंड 71.65 रुपीज़ पर डॉलर। तो थोड़ा सस्ती है कंपेयर टू ATM विड्रॉल, फिर भी क्रेडिट कार्ड चार्जेस थोड़ा बहुत हाई है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कैश नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मैं HDFC रेगुलर रिकमेंड करूंगा या किसी भी क्रेडिट कार्ड जो 2% कन्वर्जन चार्जेस लगाते हैं। नेक्स्ट आ गया डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड भी ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स 3.5% ट्रांजेक्शन चार्जेस लगाते हैं। अगर ATM से भी विदड्रॉ करते हो या आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में स्वाइप करते हो ऑलमोस्ट द सेम चार्जेस लगाते हैं 3.5% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो डेबिट कार्ड भी बहुत हाई चार्जेस पड़ जाते हैं। तो अगर आप $1000 स्वाइप करते कुछ चीज़ खरीदने के लिए एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन में तब आपको कितना पड़ेंगे, देखिए आपको जो 70,000 कॉस्ट प्राइस वो लगेगी, उसके बाद 3.5% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट यानी कि 2450 रुपीज़ और उसके ऊपर 441 रुपीज़ GST। तो ये सारे मिला के आपका जो पर डॉलर कॉस्ट आते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 72.9 रुपीज़। तो ये भी काफ़ी कॉस्टली है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर इमरजेंसी और ऑफिस से आपको करना ही पड़ेगा तो क्रेडिट कार्ड जो 2% लिवाई कर रहे चार्जेस दैट इज मच बेटर देन यूजिंग ए डेबिट कार्ड। तो फिर से दोस्तों एक बार देख लेते हैं, अगर आप बैंक से कैश लेते हो तब आप $1000 अगर निकालते हो तब आपको पर डॉलर 72 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप कैश बुक माई फॉरेक्स से लेते हो तब आपको बहुत सस्ते रेट्स पे मिलेंगे, लाइक अराउंड 70.6 रुपीज़ पर डॉलर। अगर आप ATM से विड्रॉ करोगे फॉरेन लोकेशंस में तो भाई बहुत महंगी है, ऑलमोस्ट 73 रुपीज़ से लेके 74 रुपीज़ तक पर डॉलर लग जाएंगे आपको। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो क्रेडिट कार्ड का भी ऑलमोस्ट 71.65 रुपीज़ पर डॉलर आपको चार्जेस पड़ेंगे पर डॉलर का। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो डेबिट कार्ड का भी ऑलमोस्ट 73 रुपीज़ ही पड़ेंगे आपको, और अगर आप फॉरेक्स कार्ड यूज करते हो तो आपको 70 रुपीज़ लगेंगे पर डॉलर। तो फ्रेंड्स मैं आपको सारा डिटेल्स दे दिया हो, आप देख लीजिए कौन सा बेस्ट है आपके लिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा बुक माई फॉरेक्स से एक फॉरेक्स कार्ड ले लो, बहुत ही आपको सस्ते मिलेंगे वहाँ से। और फ्रेंड्स अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हो तब आप एटलीस्ट अराउंड 400 से 500 US डॉलर्स या किसी भी मेजर करेंसी आप अपने पास रख लीजिए, उसको खर्च मत कीजिए, जितना हो सके आप फॉरेक्स कार्ड से यूज़ कीजिए। क्योंकि देखिए
कार्ड कभी गारंटेड नहीं है, कभी भी काम नहीं कर सकते, कभी भी आपको लिंक नहीं मिल सकते हैं। तो आप फॉरेन कंट्री में जब भी जाते हो एटलीस्ट आपको कुछ कैश आपको हाथ में हमेशा रहना चाहिए, है ना, 400-500 US dollars या किसी फॉरेन करेंसी। तो हमेशा अपने पास उतना पैसा कैश में रखिए, और जब भी आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आप फॉरेक्स कार्ड से स्वाइप कीजिए और फॉरेक्स कार्ड को लोड अनलोड कीजिए, आपको बहुत सस्ता पड़ जाएंगे। तो दिस इज माई सजेशन, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, मैं हमेशा अपने साथ 500 से लेकर 1000 डॉलर्स अपने पास हमेशा रखता हूँ और बाकी सारे जो है मैं फॉरेक्स कार्ड से यूज करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो का अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव रहा। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपना फेलो ट्रेवलर्स के साथ ताकि सबको पता चले कि आप कौन सा यूज करने से आपको सबसे अच्छी रेट्स मिलेंगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत मतलब कंफ्यूजन से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक वीडियो बनाओ लाइक कैश वर्सेस करेंसी वर्सेस फॉरेक्स कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड। तो मैं ये बहुत सारे कैलकुलेशंस किया, कैलकुलेशंस करने के बाद मुझे मतलब आपको दिखाई दिया मैं कि फॉरेक्स कार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन जब आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाते हो। लेकिन फिर आई एम रिपीटिंग, कीप सम कैश विथ यू एट ऑल टाइम्स। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून, बाय फ्रॉम द इंडियन नोमैड।